अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी रेसिपी है शाही रोल, चिकन शाही रोल जो शादियों में हमें खाने मिलता है, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन। और फिर उसके बाद में मैंने लिया है एक कांदा, एक नींबू, एक कप भर के ब्रेड क्रम, मस्के का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी भर के धनिया, 1 मुट्ठी भर के पुदीना। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए, जिसमें नमक, धनिया पाउडर, तंदूरी मसाला, ओरिगैनो, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और 1.5 चम्मच मैंने डाला था इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ हमारा चिकन, और जो भी हमने मसाले ले लिए इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो सब में पहले चिकन मसाला जो हमने ले लिया है ना, पाउडर मसाले, वो मैं अच्छे से पीस लूँगी, और फिर उसमें मैं कांदा भी डालूँगी, और फिर बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, मस्का डाल के इसको पहले अच्छे से पीस लूँगी। उसके बाद में जो बचा हुआ सामान है मैं उसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पाउडर मसाले, हरी मिर्च, वो ये सब डाल दिया। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्सर मीट ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो अगर आपके पास मीट ग्राइंडर नहीं है तो आप आपके नॉर्मल मिक्सर में भी इसको पीस सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मिक्सर ग्राइंडर में मैं पीस रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सब चीज़ें अच्छे से पीस चुकी है। उसके बाद में मैंने जो 1 कप ब्रेड क्रम लिया था, ये जो मैंने नॉर्मल घर में ब्रेड लेके आते हैं उसके साइड कॉर्नर्स में से जो निकलता है ना, वो उसका मैंने ब्रेड क्रम बना के रखा था घर में, वो ले लिया था। फिर इसमें मैं डालूँगी कोथमीर, पुदीना, जो भी हमारा बचा हुआ सामान था वो भी डालेंगे, नींबू निचोड़ेंगे 1 कक्खा, और फिर से हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब ऐड करके इसको मैं फिर से पीस लूँगी। 1 नींबू का रस डालना, नींबू का रस डालने से जो हमारा टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, और ये स्पेशल रमज़ान की ही है जो आप इफ्तारी में बना सकते हो। यहाँ पर फिर से मैं इसको पीस कर ले लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पूरा जो मिक्सचर है वो अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। इसको फिर मैंने थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेके अच्छे से हर चीज़ को मिक्स किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक प्लास्टिक लिया था, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया था, और फिर मैं उसको प्लास्टिक पे एकदम फ्लैट करके बना रही थी। आप नॉर्मली भी बना सकते हो, बट आपको हाथ में तेल लगा लगा के बनाना होगा, प्लास्टिक से कैसे अच्छे से बन जाता है। फिर इसके बीच में हम रखेंगे चीज़ स्लाइस। तो यहाँ पे मैंने उतने बड़े रोल नहीं बना रही थी, नॉर्मल स्मॉल साइज़ के रोल बना रही थी, इसलिए मैंने 1 स्लाइस का 2 पीस कर लिया था। और इसको मैंने देखो अच्छे से फैला दिया हाथ में ऑयल लगा लगा के प्लास्टिक से। फिर इसमें मैं चीज़ रख के उसको अच्छे से फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बड़ा हो चुका है। आपको ध्यान रखना है बीच में ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अगर बीच में पतला हो गया तो फिर हमारा चीज़ बाहर आने का चांसेस है। तो फिर मैंने यहाँ पे 1 स्लाइस को 2 पीस कर लिया था, और 1 पीस में इसके बीच में रख कर इसको फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बीच में रख दिया। अब मैं दोनों साइड से पहले लॉक करूँगी, फिर उसको मैं रोल करूँगी। तो 1 साइड से लॉक हो गया, अब मैं इसको दूसरे साइड से लॉक करूँगी, फिर इसका मैं रोल बनाऊँगी। आपको अगर चाहिए तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके अखा चीज़ स्लाइस भी रख सकते हो, बट ये खाने में इतना टेस्टी लगता है, ऐसी फील होता है जैसे कि हम लोग शादियों में स्टार्टर्स में खाते हैं ना, वैसे ही सेम रोल है। तो इसको देखो आप, मैं एकदम फिट, मतलब फिट पकड़ के रोल कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर अच्छे से हम रोल बना रहे हैं, तो सब चीज़ों को हम अच्छे से फिट करके रख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से मेरा रोल बन चुका है, फिर इसको मैं अपनी साइड में रख दूँगी।
सारे रोल्स बन के रेडी हो जाने के बाद अभी बारी आती है इसकी कोटिंग की। हर कोई अंडे की कोटिंग करता है, बट हमारे घर में ना अंडा उतना पसंद नहीं आता बिकॉज उसमें स्मेल आती है। तो यहाँ पर मैंने सब में पहले क्या कर लिया, मैदे को है ना ड्राई रोल को ना ड्राई मैदे में कोट कर लिया। उसके बाद में मैंने मैदे का घोल बनाया, पानी डाल के उसमें कोट किया और मैंने फिर उसको ब्रेड क्रम से कोट किया। तो ब्रेड क्रम में मैंने थोड़ा सा ना ग्रीन कलर ऐड किया था, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो, नॉर्मली ब्राउन भी बना सकते हो। मुझे ग्रीन कलर थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने कोट किया। तो सब में पहले हमने ड्राई मैदे में कोट किया, फिर हमने मैदे का घोल बनाया उसमें कोट किया और फिर हमने इसको ब्रेड क्रम से कोट किया। टोटल 3 लेयर्स आई थी हमारी इसमें। तो जो नॉर्मल भटियारे लोग बनाते वो ऐसे ही बनाते हैं, और बिकॉज़ अगर आप अंडा यूज़ करते हो तो आपका तेल भी में भी एकदम फेस फेस आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको मैदे में बनाया है। तो यहाँ पर हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके थे, ये मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख दिए थे इफ्तारी के लिए, शाम में सिर्फ इसको मैंने फ्राई किया। तो मीडियम फ्लेम पे आपको इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे रोल्स कितने अच्छे बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर तोड़ने में अंदर अच्छे से चीज़ भी आ रहा था और हम लोग को रोल का भी फीलिंग का टेस्ट आ रहा था, बहुत ही टेस्टी बना था ये रोल। आप ज़रूर ट्राई करना अपने फैमिली के साथ बनाकर, अब बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं ये रोल को। तो होप यू विल लाइक द वीडियो, और इसको मैंने बीच में से कट कर दिया था।